जिसमें जहर नहीं है वैसे तो वो भी सांप है, पर वो सांप होकर भी सांप नहीं है। हाँ या ना? ऐसे जिस सांप में जहर नहीं है वो सांप सांप है भाई, दिखने दिखाने में तो सांप है पर सांप का गुण ना होने के कारण वो सांप पूर्ण रूप से नहीं है। मनुष्य सांप में जहर ना हो तो सांप का होना अधूरा है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता ना हो तो मनुष्य होना भी तो अधूरा है। आप केवल मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, दिखना पर्याप्त नहीं, मनुष्य के लक्षण भी तो। अच्छा बताओ, एक मनुष्य के लक्षण क्या? आप मनुष्य हैं ना? अभी लोगों ने अपने आप बताया हम मनुष्य। मैया, ओ मेरी बहन, देखो एक झोला कथा भर ली मेरी बहन ने, कथा पूरी भर ली झोले में, चल पड़ी अब होगी कथा। एक झोला कथा, सुनो। सांप के अंदर जहर, अच्छा जहर भी कितने प्रकार का होता है। सबसे खतरनाक किंग कोबरा होता है, डसले तो बचना बड़ा कठिन, उसमें बहुत भयंकर वाला जहर पाया जाता है। तो आप भी कह रहे हैं हम भी मनुष्य हैं, तो बता दो फिर, मनुष्य हो तो मनुष्य क्या होने से मनुष्य होता है? आपके अंदर क्या होना चाहिए मनुष्य होने के लिए? आपके अंदर कौन सा गुण हो, क्या क्या लक्षण होने चाहिए मनुष्य के, क्या क्या लक्षण है? मनुष्य कौन है जरा सुनिएगा, सुनो। जिसके अंदर दया है, क्या है? दया है। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर सत्य है, वो मनुष्य। जिसके अंदर क्षमा है, वो मनुष्य। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? जिसके अंदर दया है वो हाथ उठाएं। है बस ठीक। अब ये बताओ, आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा खाते हैं आप लोग? मछली? मैया, मुर्गी? फिर क्या खाते हैं? भगवान जी का प्रसाद। जिस जो व्यक्ति मांस खाता है, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, अब बताओ जो ये सब खाता हो उसके अंदर दया है? दया होगी तो वो किसी को मारेगा ही नहीं अपने स्वाद के लिए। किसी को मार रहा है तो इससे पता लग रहा है कि उसके अंदर दया, और जिसके अंदर दया नहीं है वो मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य के रूप में वैसा ही है जैसे बिना जहर का सांप है, जिसमें कोई मनुष्यता नहीं है। इसलिए हम इन गलत रास्तों पर बिल्कुल ना चलें। और मनुष्य, राम जी मनुष्य,